फिर कॉल आ गई। देखें आप इत्तेफाक करते हैं ना, कॉल करने का बड़ा मजा आता है। अच्छा वैसे आज आपको जो शो है ना उसका 11वां दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर हम लोग का पैटर्न शो जो है लेट हो गया ना। हाँ लेकिन हाँ। जितने दिन भी आपके शो होते रहे हैं ना जी, आज माशाल्लाह आप सबसे अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, क्या बात है, इत्तेफाक से आज मैं अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, सोफे के साथ भी मैच हो रही है। ये तो बेइज्जती, अब बजाओ। नहीं नहीं नहीं, अब बेइज्जती थी, अब बजानी थी। माशाल्लाह सबसे अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा अच्छा, तारीफ। दिन आप ऑन एयर आ रही हैं ना आज, आप सबसे अच्छी लग रही हैं। अच्छा मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं इब्रार भाई से बात करना चाह रहा था। ये इब्रार भाई बैठे आपके। अच्छा सॉरी, क्योंकि आप लोग आपस की बात कर रहे थे, हमने सोचा हम। देखा आपने, जहाँ आप लोग मेरी तारीफ करते हैं वहाँ गेस्ट आपस से ही बातें शुरू कर देते हैं। शो पे एंट्री लेने की इब्रार भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या क्या जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इत्तेफाक है, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है सारे पाकिस्तान को आपकी कितनी जरूरत है इस वक्त? बहुत जरूरत है, है ना? और इत्तेफाक से जरूरत नहीं, जरूरत है, जरूरत इत्तेफाक की जरूरत है। हाँ, और आपस में सही बोला आपने। अच्छा इब्रार भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करने की। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। क्योंकि जब आपकी खबरें आ रही थी ना कि शायद आप कोई और जमात ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोगों के बड़े दिल टूट रहे थे कि आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप लोगों के दिल कैसे तोड़ सकता था? हाँ, आप लोगों के लिए। और मैंने एक अपनी एक साल से एक फीलिंग छुपा के रखी हुई है, लकीली उस आपसे आज बात हो गई है। मैं जाता हूँ अक्सर अलीपुर शरीफ की जमात अली शाहर का सलाम करने ना। बिल्कुल। तो पिछले साल जब मैं गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका हॉस्पिटल देखा था। अच्छा, तो आप यकीन करें कि कुछ लोग उस इलाके के मेरे साथ थे, वो इतने खुश हैं आपसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना वो आप लोगों को दुआएं देती हैं कि जिस एरिया पे आपने ये हॉस्पिटल बनाया और इतना माशाल्लाह जदीद बनाया है, तो वो लोगों को बड़ी सहूलत है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तान के लोगों ने बनाया। ये सारी दुआएं मुंतकिल होती हैं उन लोगों को जो डोनेट करते हैं हमें। हाँ, और बड़ी माशाल्लाह। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप इंशाल्लाह आप इलेक्शन लड़ेंगे ना, और उसी इलाके से लड़ें, और आप देखेंगे कि लोग आपसे कितना वालहाना प्यार करते हैं, जमानतें जब्त हो जाएंगी सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपको लोग आपके वो बिल्लो वाले हवाले से भूलते जा रहे हैं, सुगरा शफी के हवाले से अब ज्यादा याद रख रहे हैं। अच्छा, आपका आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत। और अभी हम इनसे बिल्लो भी सुनते हैं, आप बेफिक्र रहिए, इत्तेफाक साहब पक्का हो गया। वो कहते हैं आपसे बिल्लो के हवाले से ज्यादा बात हो रही है, अब सुगरा शफी के हवाले से हम आपको ज्यादा जानते हैं उस हवाले से। आई नो आपका शो की एक कमर्शियल वैल्यू भी होती है, इत्तेफाक उसको भी मद्देनजर रखना होता है, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू, उससे देखें लोगों में एक हैप्पीनेस जैसे आपने बोला, वो भी एक देना बहुत बड़ा बहुत काम है। जरूरी है। साथ साथ अगर अवेयरनेस अपने प्रोजेक्ट के वजह से हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हाँ। मैं आपसे क्विकली ये दरख्वास्त जरूर कर सकता हूँ, उस मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल के साथ है, उससे फायदा ये होगा कि हॉस्पिटल चलता रहेगा हमारी दुनिया से जाने के बाद, इसलिए वो उसको बनवाने में भी हमारी हेल्प करें। बिल्कुल। अब आपसे और बात कर लें, ये इत्तेफाक वाली बात होगी कि अगर आप लोग इत्तेफाक दिखाएं और अपनी चीज़ों को प्रमोट करके, अपनी चीज़ों के लिए और अपनी हेल्प के लिए काम करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हमारी अपनी आपकी मदद है। जी जी, मैं भी अपील करता हूँ ये कि वो बनवाएं मेडिकल कॉलेज, ताकि वो अस्पताल भी चलता रहे नाल ही, क्योंकि अस्पताल बने का तो हमारी अपनी आम मदद है। हमने तो चलाना ही है, इन्होंने तो चलाना ही चलाना है, बड़ा नेक काम है, लोगों को फायदा है तो क्यों ना हो। अच्छा जी, एक गल पूछनी है अस्पताल के हवाले से, आपने बनाया हॉस्पिटल। मैं एक दफ़ा इंग्लैंड शूटिंग कर रहा था जी, मैं और नदीम साहब, तो एक सीन था कि वो गोली मुझे मार के फेंक गए हैं, तो बेग साहब ने मुझे उठाना है, ज़रा सा शॉट था। अब जब वो शॉट हो रहा है, कैमरा चल गया है, वैसे बेग साहब को कितना मुश्किल काम दिया यार, मैं उनको उठाना है गोली, सॉरी यार, इतना मोटा नहीं था तब मैं, आप जैसा था, ये 85-6 की बात है, क्या हो गया। तो मैं गिरा हूँ वहाँ पे, तो इससे पहले कि बेग साहब मुझे उठाएं, एक एम्बुलेंस आई है और उन्होंने मुझे उठाया और गाड़ी में डाल के ले गए। ओह माय गॉड। हाँ जी, तो मैं उठ के बैठ गया, तो वो डर गए, उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा डेड बॉडी, मैं कहा नहीं जिंदा बॉडी पाए, तो होया कि मैं कहा खड़ी करे, मैं भी स्टॉप इट, स्टॉप नॉनसेंस, ओह आई एम इन दिस एम्बुलेंस, स्टॉप हो गई। बेग साहब भागे भागे, नदीम साहब कह रहे तो क्या हुआ, मैं कहा जी मैं, मुझे क्या पता इनसे पूछे अंग्रेजी में क्या हुआ। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें एक फ़ोन आया था सामने किसी बिल्डिंग से कि वहाँ एक डेड बॉडी गिरी है, तो वो उठा नहीं रहा। हाँ। वो रेसलम कर रहे थे ना बाहर, ठीक है, तो वो हम आ गए, उन्होंने कहा भाई हम शूटिंग कर रहे हैं, ये एक्टर है,
उन्होंने कहा ऐसे भी एक्टर होते हैं, ऐसे भी एक्टर तो सोचा ही मर गया होते अल्लाह, यानी इतनी तेजी से अब अस्पताल की वैगन आ सकती है एम्बुलेंस उठाने के लिए, चंद सेकंड में, ये 86 की बात है। अच्छा 86 की तो अब वो कितने तेज होंगे वाकई। आपको पता है हमने मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ नारवाल में ना एम्बुलेंस सेंटर्स बना दिए हैं, और अगर आप देखें तो रजिस्टर्स के रजिस्टर्स भरे हुए हैं एक्सीडेंट्स के। मैं लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए, सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं पाकिस्तान में, और वो खाम खा मरते हैं। मेरा दिल चाहता है, मैंने अभी नया काम शुरू किया है, क्या बात कि डिफरेंट रोड्स पे ना हाँ। लिख दूँ लगा के कि इस 6 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर इस रोड पर इतने लोग मरे हैं एक्सीडेंट्स, सो प्लीज़ गाड़ी एहतियात से चलाएँ। वहाँ हमारी एम्बुलेंस को फुर्सत नहीं मिलती, हमारे पास फंड्स कम होते हैं, ज्यादा हो तो हम और ज्यादा एम्बुलेंसेस पोस्ट्स बनाएं। अब जी आपने मेरे साथ इस पे एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, करेंगे मेरे इस मॉर्निंग शो में आप एक बार पूरा इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे अपना, कोई और बात करें ट्रांसफर कर देने उसको। नहीं नहीं ये काम पता है बहुत जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है कि इस तरह का इश्तहार लिखा जाए, लोगों की अवेयरनेस की जाए, बताया जाए उनको कि ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसको नहीं आप इस तरह सीरियस लेते हैं लें। एनीवे सहारा ट्रस्ट की भी बात करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो प्रमोट करता है, और किस तरह से शुरू हुआ, क्या हुआ, बल्कि थोड़ी सी लंबी बात, एक छोटी सी ब्रेक लेके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम गपशप लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग वापस आ जाइएगा, वापस आ जाते हैं फिर तरीके से इसके बारे में करेंगे, और एक गाना भी सुनाऊंगा। अरे क्या बात है जी, आप जी आप अच्छा ब्रेक बैठ के भी ले सकती हैं, खड़े होके ब्रेक, मेरी बात सुने आप, आज तक मुझे कोई नहीं रोक सका कि मुझे मेरी ब्रेक के लिए रोके, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ, आप ऐसे मशवरे दे के मेरा शो खराब ना करें। आपको पता है कवि खान साहब कल आए और उन्हें इतने प्यार से मेरी एक मॉर्निंग शो की ब्रेक ली, ठीक है।